हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आपको पता होगा कि मैं यूपी पीसीएसजे की तैयारी करवाता हूं और पीसीएसजे में टोटल 9 से 10 पेपर हैं। प्री की बात कर रहा हूं मैं, यूपी पीसीएसजे प्री में 9 से 10 पेपर हैं, जिसमें से मैंने 3 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। 3 पेपर में कौन कौन से पेपर? ज्यूरिसप्रूडेंस, TPA एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस, TPA एंड कॉन्ट्रैक्ट। 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा पेपर जो है ये एविडेंस है। एविडेंस अभी रनिंग मोड में है, मतलब चल रहा है अभी, ठीक है। ये भी कुछ दिनों बाद ही ये एविडेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो हुए 1, 2, 3, 4। फिफ्थ पेपर, मतलब पांचवा पेपर हमें नया स्टार्ट करना है। आज आप मुझे देख रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं शायद, कि पांचवा पेपर आखिर होगा क्या। तो इसलिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं आपको यह बताने के लिए कि इन 4 पेपर के बाद पांचवा पेपर आखिर है कौन, ठीक है। इससे पहले आप ये समझिएगा कि यदि आप यूपी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये सभी पेपर आपको पढ़ने हैं, या फिर अदर स्टेट के जुडिशी की तैयारी कर रहे हैं। पीसीएसजे की बात करूं मैं तो अदर स्टेट के पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये पेपर पढ़ने होंगे सिवाय ज्यूरिसप्रूडेंस के। ये ज्यूरिसप्रूडेंस आपको यूपी पीसीएसजे में पढ़ना होता है, ठीक, और कहीं स्टेट में नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो ज्यूरिसप्रूडेंस का रोल है ये आपको नेट में मिलता है, ठीक है, और किस में मिलता है? JRF पे रोल निभाता है, ठीक है। ये दो जगह ये काफी ज्यादा रोल निभाता है। कौन? ज्यूरिसप्रूडेंस की बात कर रहा हूं। एक तो यूपी पीसीएसजे में रोल निभाता है, ये बहुत ही डिमांडेबल है ये पेपर है। लोगों को कम समझ में आता है ज्यूरिसप्रूडेंस, मैंने इसको कंप्लीट किया है, पढ़ा दिया है और बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाया है कि आपको समझ में आए। एक जैसे धरातल से लेकर आदमी चलता है, शुरुआत करता है चीज़ों को, उसी तरह मैंने भी कोशिश किया है कि आप तक इस ज्यूरिसप्रूडेंस को हल्के में आप तक पहुँचाया जा सके, आप ज्यूरिसप्रूडेंस पेपर को आसानी से समझ सकें। तो ज्यूरिसप्रूडेंस आपका यूपी पीसीएसजे में और नेट एंड JRF यहां भी आपको क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। रही बात TPA, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, ये सब पेपर जो है आप किसी भी स्टेट में जे की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं या देने जा रहे हैं, तो वहां पर ये पेपर आते ही आते हैं, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट पेपर मैं बताऊंगा वो तो कोई भी स्टेट का आप तैयारी करने जा रहे हैं, वहां तो मस्ट है, वहां पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। और जो एडवोकेट होते हैं इस पेपर के बिना जाने वो अधूरे होते हैं। यदि वो नहीं जान रहे इस पेपर के बारे में तो उनका ज्ञान जो है समझ लीजिए कि वो अधूरा है, मगर उस क्षेत्र में शायद आप जान गए होंगे कि मैं किस पेपर की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं यहां बात कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मैं यहां बात कर रहा हूं CPC की, सिविल प्रोसीजर कोड की बात कर रहा हूं, ठीक है, CPC की बात कर रहा हूं। तो पांचवा पेपर मेरा CPC होगा जो मुझे पढ़ाना है, और इस पेपर को मैं ही पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की होगी तो प्लीज वो इनमें से चाहे ये सभी पेपर वो ज्वाइन कर सकते हैं, या जो पेपर उन्हें अच्छा लगता है इनमें से वो पेपर ज्वाइन कर सकते हैं, या जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने सभी पेपर ज्वाइन किया है तो इस नए पेपर को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ज्यूरिसप्रूडेंस, TPA, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, जो भी पेपर पढ़ना है आप यहां मुझसे संपर्क करके उस पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये रही बात CPC की, तो ये CPC हमारी स्टार्ट कब से होगी, ये स्टार्ट कब से होगी, तो ये 14/11/2022,
ठीक है, 14 मतलब मंडे से आने वाला जो मंडे है, सोमवार है, उस दिन से यह सीपीसी स्टार्ट होगी। ठीक है, रही बात, देखिए बसती है बात फीस की, क्या आखिर फीस कितना होगा। फीस भी आपसे ज्यादा नहीं ली जाएगी। यहां हमने आपको दिखा दिया मैंने कि जुरिस्प्रूडेंस 600, टीपीए 600, कॉन्ट्रैक्ट 600 एंड एविडेंस भी 600 चल रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहां पर जो है सीपीसी एक ऐसा पेपर है जिसे पढ़ने से लोग कतराते हैं, डरते हैं, एक डर की भावना सीपीसी को लेकर होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि आप किसी घर में जाएं और एक बोर्ड लगा हो, किस चीज का बोर्ड लगा हो कि भाई कुत्तों से सावधान, किससे, कुत्तों से सावधान। कितना भी वीर रहे, बहादुर से बहादुर व्यक्ति, एक बार गेट खोलने से पहले सोचेगा जरूर, भले ही वहां कुत्ता ना हो, लेकिन वह लिखा होना कि कुत्तों से सावधान, ये क्या करता है, एक डर पैदा कर देता है कि कहीं वो काट न ले, कि मैं अगर गेट का हैंडल उठाता हूं तो कहीं ये पकड़ न ले वो कुत्ता, या कहीं पैर न पकड़ ले अंदर अगर मैं जाता हूं। तो ये डर की भावना रहती है, तो यही डर की भावना सीपीसी के साथ होती है। जैसे ही सीपीसी का बेरेक सामने आता है, लिखा होता है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, तो वही बोर्ड वाली बातें याद आती हैं जो कुत्ते वाली है, कि खोलने से पहले ही वहां डर पैदा हो जाता है हमें। तो यकीन मानिए, यदि मैं सीपीसी पढ़ा रहा हूं तो कुछ सोच के पढ़ा रहा हूं, और आपके अंदर जो ये डर की भावना है, जैसे आपके अंदर डर की भावना ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर थी, जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास ज्वाइन किया है वो शायद ही अब वो इस पेपर से डरते होंगे, शायद ही वो डरते होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस से डरता हो, नहीं होगा। यही मैं कोशिश करूंगा कि सीपीसी में भी ऐसा हो कि आपके अंदर जो डर है, डर की भावना है, उसको निकाल दूं। मेरा काम है कि आपके अंदर जो डर है उसको निकालो, जिस पेपर को लेकर डर है उस पेपर से आपके डर को निकाल दूं। तो सीपीसी हमने स्टार्ट किया है, मंडे से स्टार्ट होगा, 14/11/2022 से हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे। रही बात कि आपको कितना पे करना होगा, क्या फी रखी गई होगी, तो फी आपसे ज्यादा नहीं रखी गई है, हालांकि सीपीसी जो है थोड़ा सा बड़ा है, टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा, और मुझे इसमें जितने भी पेपर हमने बताए हैं उससे ज्यादा मेहनत इसमें करनी होगी सीपीसी में। क्यों, खुद के लिए नहीं, आपके लिए करनी होगी, आपके लिए मुझे इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए कि मैं उस मैटर को, उन चीजों को आप तक इजी वे में पहुंचा सकूं, ऐसा मैं आपको डिलीवर करूं कि आप तक वो चीजें समझ में आ जाए। कोई भी सामने देखने वाला स्टूडेंट होगा, चाहे वो तेज तर्रार हो या मीडियम हो या लोअर हो, सभी को सीबीसी समझ में आए। मेरा पढ़ाने का तरीका भी ऐसा होता है कि लोअर से लोअर स्टूडेंट, सोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सोच की बात कर रहा हूँ, कि लोअर से लोअर स्टूडेंट को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो सीपीसी में बहुत ज़्यादा हमने फी नहीं रखी है, सीपीसी में मात्र हमने 800, ठीक है, 800 कितनी, 800 फीस रखी है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन पेपर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी यदि किसी को ज्वाइन करना होगा तो वो पेपर लेके ज्वाइन कर सकता है, उसको शुरू से अंत तक वो चीज़ें मिलेंगी। और मिलेंगी क्या आपको, दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मेरा लेक्चर मिलेगा जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, और दूसरी पीडीएफ मिलेगी, जो यहाँ पे चीज़ें लिखा रहेगा उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कहाँ की जाएगी, टेलीग्राम पे की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे की जाएगी। और टेलीग्राम पे से याद आया, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ होती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही डालता हूँ। ठीक है, तो ये शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक तो दे दूंगा, यदि वहां से नहीं खुलता है किसी कारणवश, तो आप टेलीग्राम में सर्च बार में ये डालेंगे शिवेंद्र लॉ स्टडी, तुरंत आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है। ठीक है, और
रही बात, देखिए इसकी बात मैं कर रहा था, तो तीन पेपर मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यदि जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है, उसको सभी चीज़ें शुरू से लेकर लास्ट तक सभी चीज़ें मिल जाएंगी। लेक्चर हो गया, पीडीएफ हो गया, सभी चीज़ें मिलेंगी। ठीक, एविडेंस अभी चल रहा है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। CPC की बात है तो CPC आप जल्द से जल्द 14 तारीख से पहले ही आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, कैसे ज्वाइन करेंगे आप, इससे संबंधित कुछ भी पेपर से संबंधित आपकी क्वेरी होगी, कुछ पूछना है या जो कुछ भी बात करना है मुझसे, तो WhatsApp या मोबाइल नंबर पे मेरे कॉल करके या WhatsApp पर मैसेज करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरा याद रखिएगा 8840679353। ये फर्स्ट नंबर पहले आप इस पर ट्राई करिएगा। ठीक है, इसके बाद यदि इस पर कोई दिक्कत होती है, नहीं लगता है, तो उसके बाद आप 9455417044 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर नहीं लगता है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। दोनों ही हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये हमें पेपर बताना था, इसीलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। तो 1 2 3 4 5 ये पांचवा पेपर मेरा है। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि PCS JEE जो आपकी वैकेंसी आ रही है उससे पहले ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। नवंबर लास्ट तक आपकी नोटिफिकेशन आने की उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर तक आ सकती है वैकेंसी। आप आने का वेट मत करिए, आप पहले से ही तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि यकीन मानिए कि जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इतने उतावले हो जाएंगे कि आप कवर नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, कि क्या हम पकड़ें और क्या हम छोड़ें। ये स्थिति और ये नौबत आ जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, मेरे पास अनुभव है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो अनुभव, कि आपके साथ ऐसा ना हो। आज की डेट है, अभी से आप लग जाइए। अगर अभी तक आप नहीं लगे हैं तो ठीक, पढ़िए, नोट्स पढ़िए, बैरक पढ़िए, इसके बाद आप चले जाइए क्वेश्चन आंसर MCQ सॉल्व करने। MCQ जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये हम कुछ ये बतानी थी, ये पेपर्स हमारे हैं, ज्वाइन करना है। ये नया पेपर हमारा CPC है, स्टार्ट इतने तारीख को होगा, मंडे से स्टार्ट होगा, और 14 से पहले आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए बैच को। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।